भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त और मजबूत हो, इस लक्ष्य के लिए आपकी संस्था के लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। आपके इन्हीं प्रयासों के कारण व्यापार इंडस्ट्रीज के कई क्षेत्रों में हमने नई तकनीकी, नई सोच और नई सृजनशीलता के साथ काम किया है। यही कारण है कोविड महामारी से अर्थव्यवस्था के हुए नुकसान के बावजूद आज हम अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः मजबूत और सशक्त बनाने में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कोविड महामारी के समय भी आपने जिस तरीके से समाज के हर वर्ग की सेवा करने का काम किया, समाज के नवनिर्माण से लेकर समाज सेवा के समर्पण भाव से काम किया, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि कोविड महामारी के समय आपने अपने प्रोफेशनल के साथ साथ समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो, इसके लिए भी आपने सामाजिक मदद की, इसके लिए भी आपकी संस्था धन्यवाद का कार्यक्रम है, बधाई की बात है। आपके कार्यक्रम का विषय टैक्स से संबंधित है, जो मेरे विचार में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। एक प्रभावी टैक्स सिस्टम वह है जो टैक्स देने वाले के लिए सरल हो तथा सस्टेनेबल हो। इस दिशा में केंद्र सरकार ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। एक समय था जब उद्यमों और कंपनियों के लिए अलग अलग टैक्स की व्यवस्था थी, वो बहुत जटिल थी, लेकिन उसी को सरल तरीके से एक देश एक टैक्स की प्रणाली लागू की गई। निश्चित रूप से उस प्रणाली में कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कत आई, लेकिन उसको भी आपने ठीक तरीके से लागू करने का काम किया। और इसी कारण से केंद्र सरकार द्वारा जब जीएसटी प्रणाली लाई, उस जीएसटी प्रणाली को किस तरीके से विकट परिस्थितियों में आपने व्यापारी उद्यमों को उसकी सरलता के लिए समय समय पर कोशिश की, और आपने देश के अंदर व्यापारियों के साथ साथ सरकारों को भी उचित सलाह दी कि जो जो संशोधन की आवश्यकताएं थी, आपके प्रभावी कार्य के कारण, आपके प्रभावी सुझावों के कारण, उसमें निश्चित रूप से सरकार ने भी उसमें समय समय पर परिवर्तन हुआ। क्योंकि जब कोई नई टैक्स प्रणाली शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी आती है, लेकिन आपने उसके लिए भी सरलता से काम किया, इसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आपके इन्हीं प्रयासों से वन नेशन वन टैक्स की इस सिस्टम की सफलता हो पाई। मुझे याद है उस समय बड़ी कठिनाई, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते थे, रात भर उनको बहुत तकलीफ आती थी, व्यापारियों को भी परेशानी आती थी, लेकिन आपने धीरे धीरे उस टैक्स प्रणाली को पारदर्शिता लाने का काम किया, बेहतरीन सुझाव से एक अच्छी प्रणाली को आपने ठीक तरीके से लागू करने महत्वपूर्ण भूमिका बनाई। आप देश की अर्थव्यवस्था के प्रभारी भी प्रहरी हैं। आपको ये सुनिश्चित करना है कि कंपनियों का प्रशासन विधि के अनुसार चले, वे अपने वित्तीय मामलों में एथिकल तरीकों से कार्य करें। आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी कंपनियां, सभी उद्यमी सभी प्रकार के टैक्स का सही और नियत समय पर भुगतान करें। यह आपके उचित मार्गदर्शन से ही संभव हो सकता है। आप राजकोष के रक्षक भी हैं और देश की जनता की ओर से सरकार के कुशल वित्तीय प्रशासन पर पैनी नज़र भी रखते हैं, जिससे देश का ठोस आर्थिक एवं वित्त विकास हो सके। आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आर्थिक और वित्त प्रणाली ठीक चले, दुरुस्त रहे, इसके लिए भी आपके प्रयास सराहनीय हैं। आप देश की आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में शुचिता और ईमानदारी लाने के लिए भी आपके प्रयास सराहनीय होते हैं। आप वित्तीय मामलों में विशेषज्ञ हैं और व्यवसायों कंपनियों व्यापारियों को उचित वित्तीय मार्गदर्शन करते हैं। यदि उसमें जाने अनजाने में कोई वित्तीय अनियमितताएं होती है,
तो उसको दायित्व छुपाने का नहीं बल्कि उसे सही मार्ग दिखाने का काम भी आप करते हैं। इसीलिए एक पेशेवर जिम्मेदारी के रूप में, एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ आप काम करते हैं, क्योंकि आपकी संस्था की जो नींव है वो नींव बड़ी नैतिक तरीके से रखी गई है। मैं कई बार हमेशा एक बात की चर्चा करता हूँ कि आपके प्रोफेशनल से जिस तरीके से आपने नैतिकता सबसे बड़ी ईमानदारी रखी, उसके कारण ही आज देश के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये संस्था समाज के लिए व्यापक योगदान दे रही है। अपनी इस वित्तीय प्रशासन को हम किस तरीके से बेहतरीन कर सकते हैं, इसके लिए भी आपके प्रयास बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहता हूँ कि हमारा देश गांव में बसता है, हमारे देश की आत्मा गांव में है। जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग स्थापित नहीं करेंगे, जब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। भारत का विकास करना है तो हमें गांव के अंदर छोटे लघु कुटीर उद्योगों को, उनके औद्योगिक सेक्टर को भी डेवलप करने के लिए काम करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको एक व्यापक प्रयास की आवश्यकता है। और आपके, जब मैं गया था तो आपकी संस्था ने कार्य योजना भी बनाई थी, क्योंकि गांव के अंदर जो हमारी गांव की संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार हमारे गांव की में उत्कृष्ट वास्तुकला है, शिल्प कला है, दस्तकारी है, ऐसे कई उत्पाद हैं जो हम दुनिया के अंदर उसका बाज़ार बना सकते हैं। और इसके लिए एक तरफ दुनिया में बाज़ार बनने से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहीं ग्रामीण शिल्पकारों और ग्रामीण लोगों को रोज़गार देने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज यही आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना संकट के कारण जो आर्थिक संकट आया, उस संकट को अगर उभारना है तो हमें किसी न किसी तरीके से ऐसी कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए देश को हम आत्मनिर्भर बना सकें। आत्मनिर्भर भारत का जब ही हो पाएगा जब हम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, चाहे एग्रीकल्चर बेस हो या लघु कुटीर उद्योग बेस हो या दस्तकला हस्तकला बेस हो, हमें ग्रामीण बेस इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में आपका योगदान की आवश्यकता है, क्योंकि आप एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फाइनेंस कराकर ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप योजना, नई नई नौजवानों को किस तरीके से रोज़गार से जोड़ा जाए, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। उन योजनाओं में भी आपका उचित मार्गदर्शन मिले ताकि हमारा देश एक सशक्त और मजबूत आर्थिक दृष्टि से हो सके, इसके लिए आपके प्रयासों की आवश्यकता है। क्योंकि हमें इस देश के अंदर एक तरफ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है, उसी के साथ हमारे आर्थिक शुचिता को मजबूत करने के लिए भी हमें कोशिश करनी है। भारत उन चुनिंदा देशों में से जहां टैक्स पेयर के अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को विधि द्वारा निश्चित किया गया है। इसमें टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्ट करने वालों के बीच विश्वास की बहाली हुई है और आईटी के अधिकतम इस्तेमाल के कारण इसमें पारदर्शिता भी आई है। देश की कर व्यवस्था को करदाताओं के लिए अनुकूल बनाने का प्रयास भी आपके द्वारा किया गया है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं आपका ध्यान संसद द्वारा हाल में पारित किए गए कराधान विधि संशोधन विधेयक 2019 की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ। इस विधि का उद्देश्य निवेश आकर्षित करने, रोजगार को सृजन करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए के अतिरिक्त राजस्व को प्रोत्साहन उपलब्ध कराना भी है। मुझे आशा है आप नियमित रूप से देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहेंगे तथा अपने ज्ञान तथा अनुभव उनके साथ साझा करेंगे। इससे हमारे जनप्रतिनिधि आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित कानून के निर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान दे पाएंगे
और अनंत हमारे देश की टैक्स प्रणाली और अधिक पारदर्शी, सरल एवं करदाताओं के लिए अनुकूल बन पाएगी। ऐसा होने से हम देश की आर्थिक प्रगति के साथ साथ रोजगार सृजन का काम भी कर सकते हैं। मैं ICAI कोटा शाखा को आज के सम्मेलन आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं। इस सम्मेलन में आपके विचार विमर्श उपयोगी और फलदायी सिद्ध हों, इस कार्यक्रम में जो विचार साझा होंगे, जो मंथन निकलेगा, उससे देश का आर्थिक विकास सशक्त होगा, मजबूत होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।